हेलो नमस्कार, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इजी से रोटी या चपाती और फुल्का बनाने वाला रेसिपी लेके आई हूँ। कैसे आराम से आप सॉफ्ट फुल्के और चपाती बना सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। चपाती और रोटी बनाने के लिए आपको वीट का आटा चाहिए, और पहले आटे को आप थोड़ा सा नमक मिला के उसके बाद उसको पानी मिलाते हैं। मैं पानी में आधा पानी और आधा मिल्क लेती हूँ। मैंने 4 कप आटा लिया है, उसमें से 1 कप मैंने मिल्क लिया है और 1 कप मैंने नॉर्मल पानी लिया है। उसके ऊपर भी आपको चाहिए पड़ेगा तो आप मिला सकते हो, बट नॉर्मली जो मिल्क मिलाते हैं ना उसमें से आपका चपाती बहुत ही सॉफ्ट होता है। एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे आप कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा बनता है वो, सही है। आपको इतना ज़्यादा घी वगैरह भी नहीं लगाना पड़ेगा एक बार चपाती होने के बाद। तो मैंने पानी डाल के उसको अच्छा से घूना पहले, तो मैंने सॉफ्ट वाला आटा लगाया, क्योंकि आटा चपाती के लिए, फुलके के लिए आटा हमेशा सॉफ्ट ही लगता है। तो मैंने सॉफ्ट वाला आटा लगाया। एक बार ये देखिए, मैंने 1 कप के बाद 1 कप पानी और 1 कप वाटर के बाद कैसा, सॉरी मिल्क के बाद कैसा कंसिस्टेंसी हो रहा है। मैंने फिर से थोड़ा सा पानी उसमें लगाया है, और लगा के मैंने थोड़ा सा अच्छे से भून लिया है उसको, क्योंकि भूनना बहुत ज़रूरी है। आपको भून के सॉफ्ट वाला डोप लगाइए, पूरा अच्छे से नहीं भूनना है, बट सबको मिल जाए जैसे आटा वैसा करके 1-2 मिनट अच्छा सा ताकत लगा के भून लीजिए। फिर उसको ढक के रख लीजिए 5-10 मिनट, 15 मिनट तक मिनिमम। उसके बाद फिर से उसको निकालिए, फिर उसको थोड़ा सा भूनिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग क्या तेल लगा कर, मतलब थोड़ा सा भून लीजिए। फिर अगर चाहिए तो आपको पानी चाहिए तो पानी, और जो चाहिए तो तेल लगा के उसको थोड़ा देर रख लीजिए। तो नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा पानी लगाती हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपका आटा बहुत सॉफ्ट से बनेगा। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको अच्छे से मिला लीजिए, तब जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही कीजिए, करके ढक के फिर से 10-15 मिनट लगा दीजिए। तो इसका मतलब टोटल मुझे 20 से 1/2 घंटा लग गया बनाने के लिए। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, जो जितने साइज का आपको रोटी चाहिए। वो पेड़े को अच्छे से हाथ से भून भून के आपको उसको चिकना कराना है। मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगी कैसा किया है करके। उसके बाद उसको आटे में लगा के आपको रोटी बेलना है, और रोटी का देखिए वो कोई सेफ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर रोटी सॉफ्ट बनता है घर में कोई भी खुश हो जाएगा। और ये मैंने मेरा जो ओवन था उसके अंदर, सॉरी मेरा जो कैसरोल था उसके अंदर मैंने एक सिल्वर पेपर डाला, तो आटा चपाती नीचे नहीं चिपकेगा इसके लिए। ये रहा, मैं गोल गोल बना रही थी मेरे चपाती को, कैसे बना रही थी मैंने दिखा रही थी। देखिए ये गोल और कोई भी इस शेप का आता है चपाती, वो फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि मुझे गोल चपाती नहीं बन रहा है, बनेगा वगैरह वगैरह, वो धीरे धीरे होता है, सबका होता है। किसी का भी, किसी ने स्टार्ट से ही गोल गोल चपाती नहीं बनाया था, और चपाती सॉफ्ट से बनता है, चलेगा। आपको गोल्स और कोई शेप से कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, जो उससे साइड से आपको लग रहा है कि गोल नहीं हो रहा है, वो साइड पे थोड़ा सा बेलन चलाइए और गोल का दीजिए। और जब आप चपाती को पैन पे डाल रहे हो, तवे पे डाल रहे हो, तब आपका टेम्परेचर शुड हाई होना चाहिए। हाई तो मीडियम, पहले तो मीडियम रखिए जब पहले बार डाल रहे हो, और पहली बार जब पलटोगे तब उसके बाद आप हाई कर देना। देखिए मैंने एक बार पलट लिया, अभी मैं उसको हाई करूँगी, हाई करके उसको सेकूंगी मैं। मेरा जो ये चूल्हा है ये इलेक्ट्रिक वाला है, तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकती हूँ चपाती को डायरेक्टली आग में, नहीं तो वो वाला तरीका बहुत इजी होता है। बट ये वाला तरीका भी अभी मेरा आदत हो गया, तो उसको दबा दबा के हर साइड से उसको पकाना होता है, कोई भी साइड कच्चा नहीं होना चाहिए। देखिए चपाती फूले ना फूले, मगर हर साइड पकना जरूरी है, नहीं तो जो भी खाएगा उसको मज़ा नहीं आएगा, आप बनाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो इन फ्यूचर जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगी, आप सारे वीडियो देख सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। तो चलो बाय, थैंक यू सो मच।